खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है, शांति के लिए न्याय चाहिए। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता। जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे, ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में, मैं था उस दिन जब नहीं। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? आज 370 पे फैसला आया, इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, उस तब संसद वहां थी। सर, ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए। अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ओन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी एक चिंता होनी चाहिए। जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, पूरी दुनिया का एक्सेस। और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है। स्टोन पेंटिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग? डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तावित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीएको कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीएको का कब्जे में लाएंगे? जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी, लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी, 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी,
राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई क्या ऑर्डर करा, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है, घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय, आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता। आखिरी चीज कहूंगा सर, बड़ी पीड़ा के साथ, कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है, शांति के लिए न्याय चाहिए। पर कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है, मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, और मनोज जी खास देखे, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, जीरो मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6,235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, जीरो जख्मी है। अरे भैया इनको दिखाई नहीं देता। हम लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर राज्य का विषय संवेदनशील है और इस संवेदनशील परिस्थितियों में निर्मित हुआ है, और संवेदनशील परिस्थितियों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं मान्यवर, हमने हमारे समय में भी हमले हुए, शुरू शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का काम है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं, माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संवेदना नहीं। आप कितना ही अमित शाह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र शेर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। जो आज़ादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने जवाहर सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का, तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए, एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को
1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं कोट अनकोट पढ़ता हूं, यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 Part 1। और उस वक्त जब ये अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ। पहाड़ी लोगों को भी आप आरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के समय से हम लोगों का प्रस्ताव ये रहा है, लेकिन उसमें ये भी बात समाप्त अभी नहीं, उसमें साफ नहीं की गई है कि आखिर जो हमारे अभी जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका आरक्षण समाप्त तो कम तो नहीं होगा। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ सर, जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूँ। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छिनकर तो नहीं लगो, ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूँ मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। जम्मू कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है उतनी संवेदनशीलता इस माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको प्रदर्शित नहीं किया है। कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है, जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए। ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है, देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई मान्यवर, गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक गमंड या गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे, क्या बात है, 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे ना नहीं सुनोगे मुझे। सर ये भी बात समझ लीजिए, पीडीपी के नेता महबूबा जी को आज हाउस अरेस्ट करने का क्या कारण है? सुबह एलजी ने साहब ने स्पष्टता कर ली है, वो जहां जाना चाहे हम सिक्योरिटी भी देंगे, जा सकती है।
अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता, कोई हाउस टेररिस्ट नहीं हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। आर्टिकल 370 में बचा क्या था? 90% जो अलग से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसमें समावेश कर दिए गए थे पहले, धीरे 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 धीरे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ, क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर बैठे? ये तीन परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर रहे। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सीध कर दे, समय सीध कर दे, ये फैसला गलत है। देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। देश की जनता देखती है 2024 में दो दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।